दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक भारतीय परंपरा दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना गया। अपने डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए पहचान रखने वाली भारतीय सभ्यता प्राचीन समय में सबसे समृद्ध और संपन्न हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र और चीन की संस्कृतियों से भी प्राचीन है, जिसमें कई जाति, धर्म, समुदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। और इन्हीं सामाजिक डाइवर्सिटी में अलग अलग धर्म से जुड़े कई समुदाय और जातियों को भी देखा जा सकता है, जिसे लेकर देश की पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ती रहती हैं। दोस्तों, देश में पहले ही जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया जा चुका है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां आए दिन कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजी करती रहती हैं, जिस कारण समाज में तनाव बना रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हाल ही के दिनों में, जब 18वीं लोकसभा कार्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में यह कहते हुए पाया गया कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसके पहले भी लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन के दौरान राहुल गांधी कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। दोस्तों, देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं, कमेंट में आप बता सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं। इस दौरान राहुल देश में समाज के बीच बढ़ती गरीबी, अमीरी और हाल ही में बिहार राज्य में हुए जातिगत जनगणना को आधार बताते हुए कहते हैं कि जातिगत जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहाँ है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, गरीब सामान्य वर्ग व महिलाओं के हाथ में कितना कितना धन है। हो सकता है राहुल गांधी के द्वारा जातिगत जनगणना पर दिया गया धारणा सही हो, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि समाज दो वर्गों में बट जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम एक ऐसे नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो जातिगत जनगणना के लिए लंबे समय से केंद्र में मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही नेता हैं जिनके खुद की जाति का कोई पता नहीं है। अगर इनके पूर्वजों के बारे में बात करें तो भी ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि इनकी जाति क्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडर राहुल गांधी जी के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या रहा है गांधी नेहरू परिवार का इतिहास और क्या है इनकी जाति। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता संग्रामी हुआ करते थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने में गांधी जी का भरपूर सहयोग दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद से नेहरू गांधी परिवार का विशेष महत्व भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। नेहरू गांधी परिवार से तीन लोग अब तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में इनकी बेटी इंदिरा गांधी दूसरी और अंत में राजीव गांधी तीसरे प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि इनमें दो लोगों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई थी। नेहरू परिवार की बात करें तो इनके पूर्वज जम्मू कश्मीर के कश्मीरी ब्राह्मण हुआ करते थे। बाद में यह परिवार पलायन करके दिल्ली के चांदनी चौक में आकर बस जाता है। 1716 में औरंगजेब के निधन के बाद मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा फर्रुख सियार इनके पुरखों को दिल्ली लाकर बसाया था। दिल्ली के चांदनी चौक में उन दिनों एक नहर हुआ करती थी और इसी नहर के किनारे बस जाने के कारण नेहरू जी के परिवार का नाम नेहरू पड़ गया। नेहरू जी के दादाजी का नाम गंगाधर नेहरू था, जो उस दौर में कोतवाल हुआ करते थे। यह वही समय था जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व शुरू हो गया। कहते हैं दिल्ली में अकाल के दौरान नेहरू जी का परिवार एक बार फिर दिल्ली से पलायन करके आगरा आ जाता है और यहीं पर नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू का जन्म होता है। मोतीलाल नेहरू आगरा से वकालत की पढ़ाई पूरा करने के बाद इलाहाबाद चले जाते हैं और यह हाईकोर्ट में वकालत करने लगते हैं।
गांधी परिवार के राजनीतिक सफर की शुरुआत मोतीलाल नेहरू से ही होती है। मोतीलाल नेहरू एक अच्छे वकील के साथ साथ स्वतंत्रता संग्रामी हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू की पत्नी स्वरूप रानी नेहरू भी एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करती थी और आगे चलकर इन्हीं के घर बाद में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम बाद में जवाहरलाल नेहरू पड़ जाता है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी के अलावा लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने देश की सेवा भी की। इन्होंने देश के अलावा विदेश में भी पढ़ाई किया। बाद में नेहरू जी ने स्वतंत्रता सेनानी कमला नेहरू से शादी कर लिया और आगे चलकर इन्हीं से एक बेटी का जन्म होता है जिनका नाम इंदिरा नेहरू पड़ता है। इंदिरा गांधी शुरुआती समय में राजनीति से दूर रहती हैं, लेकिन छात्र जीवन काल के दौरान से ये राजनीति में रुचि लेने लगती हैं और इसी दौरान इनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती है जो एक पारसी समुदाय से हुआ करते थे। ये दोनों अपने हायर एजुकेशन के दौरान लंदन में कुछ समय तक साथ रहते हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दोनों भारत आ जाते हैं और वापस आने के बाद दोनों आगे चलकर 1942 में शादी कर लेते हैं। शादी एक हिंदू और गैर हिंदू समुदाय के बीच होने के कारण नेहरू जी पर सामाजिक दबाव बना हुआ था। इसी कारण नेहरू जी चाहते थे कि विवाह की विधि ऐसी हो जिसमें विवाह के बाद भी फिरोज पारसी रहें और इंदिरा हिंदू रहें। लेकिन शादी के बाद इंदिरा नेहरू ने अपना नाम बदलकर इंदिरा गांधी रख लिया। इंदिरा गांधी अपने पिता को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी और इस कारण इंदिरा गांधी नेहरू जी के साथ ही रहा करती थी। आगे चलकर 1959 में इंदिरा गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है जिस कारण इनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो जाता है। इसी के साथ नेहरू जी का पॉलिटिकल करियर भी लगभग समाप्त होने वाला था। आगे चलकर 1960 में फिरोज गांधी और 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो जाता है। इसके बाद से इंदिरा गांधी पूरी तरह से भारतीय राजनीति में सक्रिय हो जाती हैं। प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली इंदिरा गांधी का जीवन काफी रोचक रहा है। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश की प्रधानमंत्री बनी रहीं। इनके दो बेटे हुआ करते थे जिनका नाम राजीव गांधी और संजय गांधी हुआ करता था। इंदिरा गांधी का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब 1981 के सितंबर महीने में खालिस्तानी आतंकियों ने खालिस्तान की मांग करते हुए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देखरेख में ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना कार्रवाई के दौरान तोपखाने का सहारा लिया गया, जिसमें कार्रवाई के दौरान बहुत सारे निर्दोष नागरिक भी मारे गए, जिस कारण 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और वीर सिंह ने स्वर्ण मंदिर में हुए नरसंहार के बदले सफदरगंज रोड दिल्ली में इंदिरा गांधी को 31 गोली मारकर हत्या कर दिया। इसके बाद राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री होती है। पहले तो राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो लंदन में एक पायलट की नौकरी किया करते थे, लेकिन 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी पॉलिटिक्स में पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। राजीव गांधी को 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारी जन समर्थन मिलता है और ये भारत के नवे प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। लेकिन इससे पहले राजीव गांधी के लंदन पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात एंटोनियो मैनो से होती है जो इटली के एक क्रिश्चियन परिवार से संबंध रखती थी। लेकिन एंटोनियो मैनो 1969 में राजीव गांधी से शादी के बाद नाम बदलकर सोनिया गांधी बन जाती हैं और आगे चलकर इनसे दो बच्चे होते हैं जिनका नाम पड़ता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इनका पूरा परिवार राजनीति से प्रेरित रहा है। 1981 में राजीव को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और ये वही दौर था जब कांग्रेस सरकार पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था। इसी बीच श्रीलंका में चल रहे आंतरिक मसलों को सुलझाने के लिए इनके द्वारा अहम कदम उठाया गया और इनकी देखरेख में श्रीलंका के गृह युद्ध में भारतीय सेना के द्वारा कार्रवाई किया गया, जिसमें नाराज एक समुदाय के द्वारा 31 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में चेन्नई के करीब श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और राजीव गांधी जैसे महान युवा नेता को भारत ने खो दिया। इनके परिवार में इंदिरा और राजीव
राजीव गांधी की मृत्यु आतंकियों के द्वारा की गई, लेकिन संजय गांधी की मृत्यु आज भी एक सवाल बनकर रह गई है। खबरों की माने तो उनके मृत्यु के पीछे इंदिरा गांधी का हाथ बताया जाता है। इसके बाद सोनिया और राहुल गांधी की भारतीय राजनीति में एंट्री होती है और सोनिया लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहती है और अब इनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी बखूबी से कर रहे हैं। दोस्तों, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको राहुल गांधी के जाति का पता चलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो में एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और भी ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए।